गाइस वेलकम द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट ऑफ आर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड प्रीवियसली वी डिस्कशन द अपन दिस्टमैटिक्स एंड द लिविंग फैक्टर्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अपॉन दैटेगरी वो पहला टॉपिक जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किंगडम एनसीआरटी में आपको ये ये जो सीरीज है ये छोटे से बड़े को दिखाई गई है बड़े को दी गई है जैसे कि स्पीशीज टू किंगडम लेकिन हम स्टार्ट करेंगे किंगडम टू स्पीशीज तो फर्स्टली डिस्कस अपॉन द किंगडम सो किंगडम व्हाट इज़ व्हाट इज अ किंगडम किंगडम इज द हाइस्ट टेक्सनॉमिक कैटेगरी यह आपकी सबसे बड़ी टेक्सनॉमिक कैटेगरी होती है यह आपकी बेसिकली पांच एलिमेंट्स होते हैं किंगडम के अंदर जिसमें कि है मोनेरा प्रोटिस्टा फनजाए प्लांटे और एनिमेलिया और ये पांच किंगडम आपके रॉबर्ट विट्टेकर आर एच विट्टेकर ने दिए थे अभी फ़िलहाल हमको इस चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए किंगडम्स में ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अभी हमको इसका बस केवल ओवरव्यू लेना है क्योंकि डिटेलिंग में आपका ये मोनेरा प्रोटिस्टा फनजाए तो आपका लेस लास्ट चैप्टर जो नेक्स्ट चैप्टर जो है द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ना है और बाकी के प्लांटे और एनीमेलिया इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिससे प्लांटे के लिए है द प्लांट किंगडम और एनिमल्स के लिए है एनिमल किंगडम अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि किंगडम एक सबसे हाईएस्ट एक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसको आर एच विट्टिकर ने क्लासिफाई किया था पांच किंगडम्स जिसमें से पहला है मोनेरा जिसमें आपके यू की जगह प्रो रखे जाते हैं सिंगल सेल प्रो में आपके सिंगल सेल यू होते हैं फंजाए में आपके मल्टी सेलोलर होते हैं लेकिन वो यूकॉर्योड्स जो कि आपके डेड और सेप्रोफिटिक होते हैं मतलब सेप्रोफिटिक होते हैं जो आपके डेड और डिकिंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांटे ग्रीन और एनिमेलिया आपके मल्टी सेलर जो कि आपके हेट्रोटोफिक होते हैं तो देखते हैं एन क्या कहती है इस बारे में

मतलब जो यहाँ पे कैटेगरी आपकी दिखाई गई हैं वो छोटे से बड़े असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई गई हैं स्टार्टिंग विद स्पीशीज। हाउ एवर हैव ऑल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस टू दिसलेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट टू द वेरियस टेक्सा मतलब ये है इसका कि जैसे आपने एनसीईआरटी में बेसिक लेवल पर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज देखी जिसमें कि फर्स्ट था आपका किंगडम, किंगडम के बाद नेक्स्ट फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड एंड में स्पीशीज तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है किंगडम सबसे बड़ा और आपकी स्पीशीज़ सबसे छोटी तो ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल की टेक्सोनॉमी है जो कि आपकी बुक में मेंशन है लेकिन बीच बीच में जैसे फाइलम है फाइलम के बीच में क्लास डायरेक्ट कभी कभी नहीं आती है फाइलम्स के नीचे भी सब फाइलम्स होते हैं क्लासेस में ऐसे ही सेम सब क्लासेस होती हैं मतलब ये इसका थोड़ा सा डिटेलिंग अगर हम करें तो ये वो चीज़ें यहाँ पर क्योंकि कई बार यहाँ पर ऐसा होता है कि एक फाइलम में वो ऐसे जीव आ जाते हैं जो कि आपस में थोड़े से मिसमैच हो रहे हैं तो उनको और क्लैरिफाई करने के लिए उनको फाइलम से नीचे सब फाइलम में रखा जाता है लुक एट दिगर वन पॉइंट वन कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट सी फॉर एग्जाम्पल एज वी गो फ्रॉम हायर फ्राम स्पीशीज़ टू किंगडम द नंबर ऑफ़ द कॉमन कैरेक्टर्स गो नॉज ऑन डिक्रीजिंग मतलब जिस तरीके से आप अगर आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो वो आपके कैरेक्टर्स जो हैं वहाँ पे आपको बस आपको बेसिक लेवल के कैरेक्टर्स को ही आप यहाँ पर याद रख करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे ज़्यादा डिटेल कैरेक्टर्स को मैच नहीं करेंगे क्योंकि तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप किसी इंसेक्ट और किसी मैमल का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो बेसिकली उन दोनों को एक ही किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया है लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिसिमिलिटीज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ दे आर यू कैटिक सेल दे आर मल्टी सेलुलर दे आर हैट्रोटॉफिक बस इन्हीं कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको किंगडम में रखा गया है जो कि है एनीमेलिया लेकिन और अगर उसको थोड़ा डिटेलिंग पे अगर आप जा कर के बात करते हैं तो उनके फाइलम्स अगर आप देखेंगे तो इंसेक्ट्स का आथो है और ह्यूमंस का आपका कॉडेट्स है तो ऐसे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ को आएंगे किंगडम टू स्पीशीज आएंगे और डिटेल्स कैरेक्टर्स को मैच करते हुए आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो चलिए एक बार फिर से पांचों किंगडम्स को रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पर आपके पाँच किंगडम थे जो कि आपके आर एच विटेकर ने प्रिस्क्राइब किए थे आर एच विटेकर ने, ने क्लासीफाई किया था जिसमें से पहला था मोनेरा मोनेरा में आपके सिंगल सेल्ट प्रोकाटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि है बैक्टीरिया नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा प्रोटेस्टा में आपके सिंगल सेल बट यू कार्योटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोकारोटिक यू कार्योटिक अभी के लिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है पर अगर नहीं पता है तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सेल उसमें क्लासीफाई करते हुए इनकी डिटेल स्टडी करेंगे हाँ मुझे पता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है लेकिन हम उसको ना करते हुए अब सेल चैप्टर पे स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेल चैप्टर आपका ऐसा बेसिक चैप्टर है जिसमें आपके पूरी इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के क्लासेस के आपके काफ़ी चैप्टर्स यहाँ पर आपके मैच करते हैं काफ़ी इंफॉर्मेशन आपके सेल चैप्टर में ऐसी है जिसको पढ़े बिना आप बाकी के चैप्टर्स नहीं पढ़ पाएंगे तो इसलिए इस चैप्टर के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे जो है हमारा वो है सेल नेक्स्ट किंगडम है हमारा फंजाई fungi. फनजाई में हमारे डेड सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं देन प्लांटे प्लांटे में ग्रीन ऑटोट्रॉफिक प्लांट एंड देन एनीमेलिया एनीमेलिया में हमारे हेटोट्रॉफिक एनिमल्स रहते हैं तो ये दो बात हमने करी यहाँ पर किंगडम्स की चलिए थोड़ा फाइलम्स के बारे में जान लेते हैं बेसिकली फाइलम्स क्या होता है फाइलम जो होता है वो किंगडम के नीचे आता है और ये आपका सेकेंड हाइस्ट एक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम के बाद में क्योंकि तो किंगडम के नीचे आता है तो ऑब्वियसली सेकेंड हाइएस्ट ही होना है इसे मैनी स्मॉल फ़ाइलम्स फाइलम्सूटेदर टू फॉर्म अ किंगडम यहाँ पर कई सारे आपके छोटे 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 फाइलम्स मिल करके एक प्रॉपर किंगडम का अरेंजमेंट करते हैं क्लासेस कंप्रोमाइजिंग द एनिमल लाइक फिशेस एनफीबियन रेप्टाइल बर्ड्स अलॉन्ग विदल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल द फाइलम अब देखिए बेसिकली लेवल पे आपने इनको किंगडम के अंदर रख दिया कि जैसे आपने एक किंगडम एनिमेलिया में आपने रख दिया जिसमें आपके सारे के सारे आपके हेटोटॉफिक ऑर्गेनिज़म्स आने वाले हैं लेकिन उन ऑर्गेनिज़म्स में से कुछ फिशेस हो सकती हैं कुछ आपके एम्फीवियंस हो सकते हैं कुछ आपके रेप्टाइल्स हो सकते हैं जिनमें से कुछ बर्ड्स भी हो सकती हैं और मैमल्स भी हो सकते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स को आपने जिस ग्रुप्स में रखा उनको आपने फाइलम बोला डिफरेंट फाइलम्स मतलब किंगडम के नीचे फाइलम आ रहा है और फाइलम में आपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है उनके सिमिलर कैरेक्टर्स के आधार पर जैसे कि यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और आपको उसको हमेशा याद रखना है जो कि है द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकॉट नोटोकॉट क्या होती है इस चीज़ को जानने के लिए हम थोड़ा सा आउट ऑफ द एन जाते हैं हालांकि ये सारी चीज़ें अभी आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में गिवन हैं लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा एन से बाहर जाते हुए हालांकि एन से बाहर नहीं जा रहे हैं इस चैप्टर से बाहर जाते हुए उन चीज़ों को हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं बात स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से कहाँ से फर्टिलाइजेशन से इमेजिन एक ओवम है एन स्पम इसने आकर के इसको फर्टिलाइज किया फर्टिलाइज करने के बाद में सबको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट बनता है उस जायगोट में आपके दो न्यूक्लियस होते हैं एक न्यूक्लियस होता है आपका मेल से और एक न्यूक्लियस आता है फ़ीमेल से मतलब एक फादर का न्यूक्लियस होता है आपका और एक आपका मदर का न्यूक्लियस होता है ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाते हैं फ्यूज करने के बाद में जायगोड के बाद में आपके कई सारी स्टेजेस बनती हैं जैसे कि मोरूला ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला। अब ये क्या चीजें कुछ नहीं जब वो सिंगल सेल था दोनों इनको हमने जायगोड्स बोला वन फ्रॉम फादर एंड वन फ्रॉम मदर जब वो दोनों फ्यूज़ कर गए फ्यूज करने के बाद में एक स्ट्रक्चर हमको दिखाई दिया जिसको हमने जयगोड बोला अब ये ही जयगोड आपका फर्दर मतलब अभी इसके अंदर दो सेल हैं दो सेल से फिर ये फोर सेल होगी फोर से एट सेल्स एट से सिक्सटीन सेल्स इस तरीके से डिविजन होते 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 ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं तो ये मोरूला ब्लास्टुला गैस्टोला कुछ नहीं है बेसिक इन स्टेजेस के ही नाम है अलग अलग सेल डिवीजन के टाइप्स में अलग अलग नंबर्स ऑफ सेल में जो होते हैं उनके स्टेजेस पे इन्हीं का नाम होता है मोरूला ब्लास्टोला गैस्टूला अब बात करते हैं इससे आगे की चलिए मान लीजिए हमने एक ऐसा सेल बन चुका है जिसमें आपके कई सारे नंबर ऑफ सेल्स हैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है जिसमें कई सारे नंबर ऑफ सेल्स वहाँ पे आपके मौजूद हैं ये सेल्स और इंक्रीज होंगे और इंक्रीज होते 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 ये कुछ लेयर्स बनाएंगे बॉडी में ये कुछ लेयर्स का निर्माण करेंगे उसी सेल के अंदर जिसमें बेसिकली हायर एनिमल्स की बात करी जाए तो ये आपकी थ्री लेयर्स बनती हैं फर्स्ट लेयर एक्टोडर्म, सेकंड मीजोडम एंड थर्ड एंडोडर्म. अब आपकी यही तीन लेयर जो हैं, इन तीन लेयर से ही पूरी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट बनते हैं जैसे कि बोले एक्टोडर्म से आपकी स्किन बनेगी मीजोडर्म से आपके इनर ऑर्गन जैसे कि एग्जाम्पल हार्ट और जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं नोटोकॉड वो भी इसी से डराइव होगा एंडोडर्म से आपके इनर ऑर्गन्स जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ये सब चीज़ें बनेंगी तो बेसिकली नोटोकॉट जो है आपका ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चर है क्योंकि अभी आपको जैसे कि देख रहे हो ये एक टाइप का स्ट्रक्चर हो गया सेल में ये स्ट्रक्चर्स हो गई ऐसे स्ट्रक्चर्स आपके एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के टाइम पे बनते हैं तो बेसिकली नोटोकॉट भी आपका एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके डेवलपमेंट के टाइम पर बनता है बस इतना याद रखना है आपको नोटोकॉट जो होता है ये आपको मीज़ोडर्म से डेराइव ऑर्गन होता है मीजोडर्मली डेराइव्ड पार्ट होता है और किंगडम के नीचे हम फाइलम की बात करते हैं तो वहां पे एक फाइलम होता है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट तो जिन ऑर्गेनिजम्स में आपको ये नोटोकॉड देखने को मिलता है उनको बोलते हो आप कॉर्डेट्स और जिन में नहीं मिलता है उनको आप नॉन कॉर्डेट्स तो चलिए नोटोकॉर्ड को हम थोड़ा सा भी और डिटेल में जानते हैं सो so, ये है आपका फाइलम डेटा और ये आपके सामने इमेज है एक नोटोकॉड की यहाँ पर आपको नोटोकॉड देख रही है बेसिकली नोटोकॉड देखने को मिल रही है ये वाला पोर्शन आपका इसमें नोटोकॉड है और इसी नोटोकॉड में ये कॉडेट का फीचर होता है नोटोकॉड ऑर्गेनिजम्स में आपको नोटोकॉड देखने को मिल रहा है वो ऑर्गेनिजम्स के आपके कॉर्डेट्स होते हैं और नोटोकॉड से ही आपके आगे चल के आपके यहाँ पर वर्टीब्रल कॉलम डेराइव होती है आगे चलकर नोटोकॉर्ड ही आपका वर्टीब्रल कॉलम में डेवलप्ड हो जाती है और फीचर्स की बात करते हैं जैसे हम तो यहाँ पर है आपका डोसल हॉलो नर्व कॉर्ड अगेन इंपॉर्टेंट डोसल हॉलो नर्व कॉर्ड के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा ये डॉसल क्या होता है वेंट्रल क्या होता है पोस्टीरियर क्या होता है एंटीरियर क्या होता है तो यहाँ पर एंटीरियर होता है आपका स्टार्टिंग वाला पोर्शन पोस्टीरियर आपका एग्जिट वाला पोर्शन एंटीरियर पोस्टीरियर पोस्ट पिछला एंटीरियर अगला नेक्स्ट डॉसल एंड वेंट्रल डोसल में आपका जैसे कि आपका दो पोर्शनस होते हैं एक तो होता है आपका फ्रंट पोर्शन और एक होता है आपका बैक पोर्शन तो बैक पोर्शन को आप कहते हैं डॉसल पोर्शन और फ्रंट पोर्शन होता है आपका वेंट्रल पोर्शन तो ह्यूमंस में दो पोर्शन होते हैं एक होता है वेंट्रल पोर्शन और एक होता है डॉसल पोर्शन यहाँ पर आपका है डोसल होलो नर्व कॉर्ड तो साफ साफ पता लग रहा है कि ये नर्व कॉर्ड जो है आपके डोसल पोर्शन में दिखने वाली है और कैसी होने वाली है हॉलो मतलब अंदर से खोखली होने वाली है तो मतलब फाइलम कॉर्डेटा में यहाँ पे आपको बेसिक दो चीज़ें देखने को मिलेंगी एक तो होगी आपकी नोटोकॉड एक होगी आपकी डोसल होलो नर्व कॉड जो आपके नॉन कॉर्डेट्स फाइलम होता है फाइलम कॉर्डेटा में तो वो हो गए जिनमें आपको नोटोकॉट देखने को मिलेगी और डोसल होलो नर्व कॉर्ड होगी लेकिन साथ ही साथ आपका जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में आपको नोटोकॉड तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन साथ ही साथ उसमें नर्व कॉड तो होगी लेकिन वो डोसल और होलो की जगह वेंट्रल एंड सॉलिड होगी वेंट्रल हिस्से में देखने को मिलेगी और सॉलिड होगी अंदर से हॉलो नहीं होगी तो यहाँ पर यह कुछ फीचर्स थे जो कि फाइलम कॉडेटा में आप लोग को देखने को मिलते हैं इनमें से इम्पॉर्टेंट द नोटोकॉड ऑसल हॉलो नर्व कॉड पोस्ट इनलटेल एम्ब्रियो में देखने को मिलती है ह्यूमंस में और बड़े होते होते वो हो चीज़ ख़त्म हो जाती है एंड सेलेट्स यहाँ पर आपके इस वाले पोर्शन से आपके अगर कोई कॉडेट आपका पाइसिस है जैसे कि कोई कॉडेट आपका यहाँ पर आ, ऐसा कॉर्डेट है जो कि एक्वेटिक होने वाला तो वहाँ पे इनसे बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं वो बनते हैं मतलब अगर कोई एक्वेटिक एनिमल होने वाला है तो यहाँ पे गिल बनेंगे अगर कोई आपका टेरेस्टिल एनिमल होने वाला है तो यहाँ पे लंग्स बनेंगे इन पर्टिकुलर चीज़ों से नोटोकॉर्ड डोसल हॉलो नर्व कॉर्ड फैंजियल सेल्सिट्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के एंड पोस्ट एनल टेल और यहाँ पर जितनी भी एनिमल्स जिनमें आपको देखने को मिलेगा आपका वर्टिबल कॉलम वो सब के सब आएंगे आपके फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सो नेक्स्ट टॉपिक इस क्लास दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेट कम्प्राइज मंकी गोरिल्ला एंड गेबॉन इज प्लेस इन द क्लास मेमिलिया अलॉन्ग विद द ऑर्डर कान्निवोला दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक द टाइगर कैट एंड डॉग क्लास के अंदर जो छोटे छोटे ग्रुप्स होने वाले हैं जिसमें आपको देखने को मिलेंगे और सिमिलर करेक्टर्स वो हैं आपके प्राइमे ऑर्डर यहाँ पे एक ऑर्डर का नाम दिया गया है प्राइमेट इस ऑर्डर के अंदर आपके मंगीज गोरिलस गिबॉन ये सारे जो आपके एनिमल्स हैं इनको प्लेस किया गया है और ये सारे के सारे एक ही क्लास के अंदर आते हैं जो कि है ममेलिया आगे यहाँ पे एक और ऑर्डर की बात करी गई है कार्निवोरा जिसके अंदर आपके एनिमल्स होते हैं टाइगर कैट डॉग इसके अलावा भी क्लास मेमली में, में आपके और भी ऑर्डर्स होते हैं बस यहाँ पे बेसिकली आपके दो के बारे में बताया गया है एक प्राइमेटा और एक कार्निवोरा अब बात करते हैं ऑर्डर की ऑर्डर के अंदर आपको क्लासीफाइड जो आपकी फैमिलीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी कई सारी छोटी छोटी छोटी, छोटी फैमिलीज़ मिला करके एक पूरा ऑर्डर बनाती हैं You have seen earlier that categories like species, genus, and the families are based on the number of the similar characters. Generally, the order and the other higher taxonomic category are identified based on the aggregates of the characters. Other being a higher category is the assemblage of the families which exhibit a few similar characters. The similar characters are less in the number as compared to the different genera included in the family. Plant families like convo, Violency and Solanaceae are included. In the order Polymonials, mainly based on the floral characters, the animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. अब जैसे यहाँ पर हम families की बात करते हैं जैसे कि Felidae और Canidae. Felidae है आपकी cat family and Canidae है आपकी dog family. ये दोनों की दोनों cat family और डॉग फैमिली इनको एक ही ऑर्डर कार्णिपोरो के अंदर प्लेस किया गया है हालांकि दोनों के दोनों ही कार्निवर्स होते हैं एंड ओमनिवर्स भी होते हैं बेसिकली लेकिन उनके अंदर के सिमिलर कैरेक्टर्स को देखते हुए हमने उनको एक ही ऑर्डर कार्वोरो में प्लेस आउट कर दिया सिमिलरली आपके यहाँ पे दो फैमिली है कॉन व्यू वो व्यूलेसी एंड सोलनेसी ये दोनों फैमिलीज़ जो हैं आपकी इन दोनों फैमिलीज़ को एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में प्लेस कर दिया क्यों क्योंकि इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स सेम थे भले ही उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिसिमिलरिटीज़ हों लेकिन उनके फ्लोरल फॉर्म फॉर, फ्लोरल पैटर्न को देखते हुए फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखते हुए उनको एक ही कैटेगरी में पॉलीमोनियल्स में यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है इसीलिए यहाँ पर कहा गया है जनरली ऑर्डर एंड द अदर हायर टेक्सिनिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर एग्रीगेट कैरेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर ये मीजेस देखिए ये फ्लावर्स के पैटर्न आपको इनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है कि मतलब इनके फ्लावर के जो आपके पेटल्स हैं उसमें दिखने में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिख रही है इसलिए इन तीनों को एक ही फैमिली में रखा गया है अगली फैमिली की बात करते हैं यहाँ पर आपको ये फ्लोरल पैटर्न आपके यहाँ पे इनके जो पेटल्स हैं सब दिखने में आपके देख लो जैसे कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे पेटल्स यूनाइटेड हैं सारे पेटल्स आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं ये देख लीजिए इनके बीच में गैप नहीं है सारे के सारे आपके यहाँ पे पेटल्स जुड़े हुए हैं तो इसीलिए तो इसीलिए इन कैरेक्टर्स को देखते हुए आपने इनको एक ही फैमिली कॉन्वो व्यूलेसी में इसको प्लेस कर दिया है अगली की बात करें सोलेनेसी जिसमें पेटल्स देख लीजिए सब के सब पेटल्स एक जैसे हैं हालांकि इनके अंदर अगर आप एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी कि इनके अंदर के पार्ट्स वो देखेंगे जैसे कि ये देख लीजिए ये पोर्शन देख लीजिए ये पोर्शन देख लीजिए तो ये पोर्शंस हालांकि दिखने में सिमिलर हैं तो इसलिए इनको एक ही फैमिली सोलेनेसी में इनको प्लेस किया गया है नॉट टॉकिंग अबाउट द फैमिली द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद इल लेस नंबर ऑफ़ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज फैमिलीज आर द कैरेक्टराइज ऑन बेसिस ऑफ द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ देखिए स्टार्टिंग कहाँ से करी थी हमने सेल के माध्यम से मतलब मल्टी सेल सेल को देखकर ही हमने स्टार्टिंग में क्लासिफाई किया था कि अगर हेट्रोट्रॉफिक सेल होगा हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होगा मल्टी सेलुलर होगा तो भैया एनिमलिया एनिमल है चाहे कोई भी एनिमल हो मतलब इंसेक्ट भी किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आ रहा है लेकिन जैसे 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 हम किंगडम से नीचे को आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमने कुछ कैरेक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स को देख करके हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है और ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही सोच समझ के प्लेस किया है जिसकी यहाँ पर आते आते हमने देखा कि अभी तक हमने पहले बात करी थी कि फ्लावर्स के हमने पेटल्स को देख करके बेसिकली उनको एक ही क्लास में रख दिया था ऐसे नीचे अगर हम फैमिली की यहाँ पर आकर बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक ही Uh, मतलब जो फ्लावर्स हैं उनके बीच में रिप्रोडक्शन किस टाइप का हो रहा है रिप्रोडक्टिव फीचर्स को वेजिटेटिव फ़ीचर्स को देखते हुए यहाँ पे हमने प्लांट स्पीशीज को क्लासिफाई किया है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ जीनस के नाम दिए गए हैं जैसे कि सोलिनम पेटूनिया और धतूरा ये आपके कुछ जीनस हैं जिनको आपने एक ही फैमिली सोलनेसी में रखा गया है हालांकि यहाँ पर भी देखें तो इनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स डिसिमिलर हैं जैसे आपके सोलेनेसी के अंदर एक आपका बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना एक वेजिटेबल आती है जिसको कहते हैं पोटैटो इस पोटैटो को आपका साइंटिफिक नेम है सोलिनम ट्यूब्रोसम ये भी आपके सोलिनम आपके सोलेनेसी फैमिली के अंदर रखा गया है लेकिन देखिए कहाँ आलू कहाँ पटैटो कहाँ पैट्यूनिया एक फ्लार इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं पटेटो में और पेटूनिया में या धतूरा में सिमिलरिटी है तो कहाँ पर इनके फ्लास के अंदर इनके फ्लास को देखते हुए हमने इनको एक ही फैमिली सोलनेसी में प्लेस कर दिया और ऐसे ही सिमिलर वे में अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जीनस पेंथरा जिसके अंदर आपके लायन टाइगर लेपर्ड तीनों के तीनों आपके लायन के कैटेगरी के, के हैं तीनों के तीनों आपके कार्निवर्स हैं और तीनों के तीनों आपके प्रेडेटर्स हैं इनको एक ही कैटेगरी एक ही फैमिली फेलेडी में रखा गया सिमिलरली फेलिस के लिए हम कैट वर्ड यूज करते हैं फेलिस एक जीनस है मतलब कैट्स और उनकी फैमिली फेलेडी सिमिलरली कैट और डॉग के फीचर्स जो हैं आपके काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलर हैं लेकिन उनमें सिमिलरिटी क्या है कि वो एनिमल है दोनों के दोनों कार्निवर्स हैं तो इन दोनों को एक ही कैटेगरी कार्निवोरा में रख दिया जैसे कि हमने पहले पढ़ा था हालांकि आपकी दोनों की दोनों फ़ैमिलीज अलग हैं एक है कैट फैमिली और एक है डॉग फैमिली डॉग फैमिली होती है, है आपकी कैनेडे और कैट फैमिली है आपकी फेलेडे ये देखिए ये है आपकी फेलेडे कैट फैमिली जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं कैट्स भी हैं लायन भी है टाइगर भी है लेपर्ड भी है ये सारे के सारे आपके एक ही फैमिली फैलीडे में आती है इसी तरीके से डॉग्स की फैमिली भी होती है जैसे कि जिसको हम कहते हैं कैनेडे जिसमें फर्स्ट पिक्चर जो आपको दिख रही है एक डॉग है सेकंड आपका फॉक्स है थर्ड जयकाल है इस तरीके से भी आपके ऑर्गेनिज्म मतलब दिखने में डॉग जैसे होते है। तीनों -के के हैं तीनों के तीनों कार्निवोर्स हैं तीनों के तीनों पेडिटर्स हैं और इनको एक ही फैमिली कैनेडे में रखा गया है और हाई लेवल पर जाके बात करते हैं तो इनको एक ही कैटेगरी कार्निवर में रखा गया है और ऊपर जाके बात करें तो एक ही किंगडम एनिमेलियम में और कॉर्डेट uh, cod, uh, में रखा गया है सो मूविंग टूवर्ड्स आर लोएस्ट कैटेगरी द जीनस जीनस कंप्रेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज विच हैज मोर देन द कैरेक्टर इन कॉमन एंड द कंपेरिजन ऑफ द स्पीशीज ऑफ द अदर जेनरा वी कैन से दैट जेनरा आर द एग्रीगेट ऑफ द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इंपॉर्टेंट है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज अगर क्वेश्चन आता है एम सी के एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि फारद रिलेटेड स्पीश फारदेस्ट रिलेटेड कैटेगरी क्या है ऑप्शन देता हूँ मैं किंगडम फाइलम ऑर्डर या स्पीशीज़ तो ऑब्वियसली इसका आंसर किंगडम होगा क्योंकि इसमें सबसे बेसिक सबसे बेसिक कैरेक्टर्स को देख करके इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है उनके स्पीशीज़ के बीच का रिलेशन आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिलेगा सेम अगर हम बात करते हैं जीनस की या स्पीशीज़ की तो स्पीशीज में आपको सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे इस बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि आपके पटैटो एंड ब्रिंजल जो हैं आपके ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं लेकिन इन दोनों का जीनस एक ही है सोलेनम लायन को पेंथरा लियो लेपर्ड पेंथरा पैरडस और टाइगर पेंथरा टाइगरस अलग अलग नाम से आना जाता है लेकिन इनके कॉमन फीचर्स हैं इसीलिए इनको एक ही जीनस पेंथ्रा में इंक्लूड किया गया है दिस जीनस डिफरेंट फ्रॉम अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं फेलिस के बारे में बात कर था, तो उसमें ओनली कैट्स आ गई थी उनके अलावा फिर हमने यहाँ पर और बेसिक कैरेक्टर्स को देखते हुए इनको अलग कैटेगरी में रखा जो कि हमने एक जीनस बनाया पेंथरा जहाँ पे हमारी फेलेस जो थी फेलेस जीनिस में आ गई है सारी सारी कैट फैमिली थी हमारी फेलेडे उस फेलेडे फैमिली में से निकाल के हमने करेक्टराइजेशन करना स्टार्ट किया और लायन जो थे हमारे जो हमारे पेंथरा थे यहाँ पे जीनस है पेंथरा उनको अलग ही एक जीनस पैंथरा में रख दिया गया जिसके अंदर हमारे एनिमल्स आए लायन लेपर्ड टाइगर कैट्स को निकाल करके हमने अलग जीनिस में रख दिया जिसको रख बोला हमने फेलिस सो स्पीशीज द लोएस्ट कैटेगरी एंड द जीनस इज द सेकेंड लोएस्ट कैटेगरी टेक्सोनोमिक स्टडीज कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीशीज टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के हिसाब से जिन ऑर्गनिज़म्स के बीच में सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं उनको आपने एक कैटेगरी स्पीशीज़ में रख दिया है हालांकि स्पीशीज़ की डेफिनेशन एक और भी होती है द ऑर्गेनिजम्स इज सेट टू बी इन वन स्पीशीज़ इफ दे डज़ नॉट पॉजिस द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब अगर आपने दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपको कहना है कि उनकी स्पीशीज़ सेम ही है तो सबसे बेसिक चीज़ है रिप्रोडक्शन मतलब अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो एक ही कैटेगरी में होते हैं अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में आपका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है वो कैटेगरीज रिप्रोडक्ट नहीं कर सकती हैं हालांकि बायोलॉजी साइंस ऑफ एक्सेप्शन यहाँ पर भी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं जैसे कि डंकी एंड द हॉर्स इनके बीच में अगर क्रॉस होता है नेचुरली नहीं होता है लेकिन अगर कराते हैं होता है तो यहाँ पर एक कैटेगरी आएगी म्यूल जो कि एक अलग स्पीशीज़ है और बेसिकली डंकी एंड हॉस को आप अलग अलग स्पीशीज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके बीच में नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है और दूसरी बात उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्टाइल नहीं है स्टराइल है तो स्पीशीज़ में वही ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं कि जिनके बीच में रिप्रोडक्शन uh, कराया जाए तो ऑफ स्प्रिंग आई और साथ ही साथ वो फर्टाइल भी हो क्योंकि एक्सेप्शन में हमने देख चुके हैं डॉक्टर पटेटो एंड पैंथरा लियो लायन ऑल थ्री नेम्स इंडिका ट्यूब्रोसम एंड लियो आर जीन स्पीशीज या फिर इनका दूसरा नाम आप कह सकते हो स्पेसिफिक एपिथेट्स वाई द लास्ट सॉरी वेल द फर्स्ट वर्ड्स मैंजिफेरा सोलेनम एंड पेंथ्रा आर जीनस और जेनरा जैसे कि हमने बायोनॉम नॉमन के लक्षर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमारा जीनस होता है और सेकंड वर्ड जो होता है वो हमारा स्पीशीज होता है ई जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रजेंटिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग द मोफोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ फॉर एग्जाम्पल पेंथ्रा एंड द अनदर स्पेसिफिक एपीथेड कॉल टाइग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूडेड स्पीसीज लाइक नाइज्रम एंड मेला सोलेनम आपका एक जीनस है जिसके अंदर आपकी अलग अलग, अलग, अलग स्पीसीज आ रही हैं जैसे कि एक होता है नाइग्रम नाइग्रम आपका एक प्लांट होता है सोलेनम नाइग्रम जो कि आपको कहीं भी आपके रोड साइड देखने को मिल जाएगा जिसमें कि स्मॉल स्मॉल वेरी स्मॉल टमेटो लाइक फ्रूट्स लगते हैं सेकेंड है आपका मैलोंगेना मैलोंगेना आपका ब्रिंजल सोलेनम मैलोंगिना आपका ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है ये दोनों के दोनों एक टमेटो लाइक है एक ब्रिंजल है हालांकि दोनों के सीड्स आपको देखने को सिमिलर मिलते हैं इसी बेसिस पे और भी कई सारे इनको इनके बीच की सिमिलरिटीज को देखते हुए इनको एक ही आ, जीनस सोलेनम में आ, सो, सोलेनम में रखा गया है ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियन विच इज़ ग्रुप्ड उन् द जीनस होमो यहाँ पर एक जीनस है होमो इसके अंदर स्पीसी रखी गई है सेपियन होमो की भी आप देखेंगे चैप्टर अगर करके एवोल्यूशन करके तो इसमें होमो की भी मतलब इंसानों की भी ह्यूमन्स की भी अलग अलग, अलग स्पीशीज़ होती हैं लेकिन ह्यूमन बींग जो बोलते हैं हम पर्टिकुलरली आपका मॉडर्न मैन जो है इनको इनका साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस और ये आपकी एक ही आ, जीनस होमो और स्पीशीज़ सेपियंस में रखा गया है तो यहाँ पर एन का बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको बेसिकली लर्न होना ही चाहिए जिसमें कि मैन की बात करें मैन का बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो है ये है सेपियंस। जीनस इसका होमो है फैमिली होमो ऑर्डर प्राइमेट क्लास मैमेलिया एंड फाइलम कॉर्डेट और आगे और जाओगे तो किंगडम एनिमेलिया हाउस फ्लाई की बात करते हैं तो हाउस फ्लाई को हम कहते हैं मूसा डोमेस्टिका मूसा म्यूसिकेडी डिप्टेरा इंसेक्टा आर्थोपोडा ये इसके अलग अलग कैटेगरी हैं आर्थोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं इंसेक्ट्स के अंदर आपका ऑर्डर डिप्टेरा है डिप्टेरा के अंदर फैमिली म्यूसिडी है म्यूसिडी फैमिली के अंदर आपका जीनस मूसा है और उसके अंदर आपकी स्पीशीज डोमेस्टिका है मैंगो की बात करें मैनजी का दें जीनस मैनजी फेरा फैमिली एनाकार ऑर्डर आपका सेपेंडिल्स से, है क्लास डाइकॉट लेडने एन फाइलम है में बेसिकली अभी आपको ये सारे के सारे वर्ड्स जैसे सैपेडिल्स हो गया डाई लेडने हो गया एनजी में हो गया थोड़े से हैवी लग रहे होंगे सुनने में लेकिन जैसे जैसे जैसे, जैसे आप आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे ये शब्द आपके यूज़ होंगे और जब इन शब्द का आपको असली मतलब पता लगेगा तो आपको ये पूरी की पूरी आपको चार्ट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी हालांकि याद तो अभी भी करना है लेकिन आगे आने के बाद में आपको पूरा चार्ट का एक एक टर्म का मतलब समझ में आ जाएगा लास्ट हमारा जो यहाँ पे स्पीशीज़ है वीट उसकी बात करते हैं वीट को कहते हैं ट्रायटिकम एसिवम इसका जीनस है ट्राइटिकम स्पीशीज होगी एसिवम फैमिली है ऑर्डर पोल्स क्लास और डिविजन एनजाम तो यहाँ पर हमने बात करी हमारे डिफरेंट एक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की इसमें हायर टू लो हम आते हैं तो किंगडम फैमिली किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज होता है हर एक के बारे में हमने स्टडी करी है और यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद हम स्टडी करेंगे डिस्कशन करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स की मतलब टेक्सोनॉमी तो मैंने बता दिया कि कैटेगरी का कैटेगराइज़ करना ऑर्गेनिजम्स को की कैटेगरी को अलग अलग डिफ़ाइन करना ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना तो अब उन क्लासिफिकेशन को करने में क्लासिफिकेशन को याद रखने में क्लासिफिकेशन में हेल्प करने के लिए यहाँ पर कुछ एड्स मतलब कुछ तरीके या कुछ साधन है वो क्या साधन है वो हम आगे पढ़ते हैं टेक्सोनॉमल एड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं आपके अलग अलग तरीके के जिसमें कि सबसे पहला आता है आपका हर्बेरियम सेकेंड है आपका जुलॉजिकल पार्क थर्ड है आपकी की फोर्थ इज म्यूजियम एंड फिफ्थ इज अ बोटेनिकल गार्डन सबसे पहले डिस्कशन करते हैं हम हारबेरियम के बारे में कि हारबेरियम क्या होता है लेकिन उससे भी पहले हमको जानना पड़ेगा थोड़ा सा टेक्सटोनोमिकल एड्स के बारे में

कौन सी स्पीशीज से फॉरेस्ट में हेल्प कर रही है कौन सी इंडस्ट्री में हेल्प कर रही है और दूसरा हमारा इम्पोर्टेंस ये है टेक्सोनिक स्टडीज़ को पढ़ने का कि हम जाने हमारे बायो रिसोर्सिस के बारे में हमारी डाइवर्सिटी के बारे में दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर कलट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ द ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर द इंटेंसिव लेबोरेटरी इन द फील्ड स्टडीज़ द कलेक्शन ऑफ द एक्चुअल स्पेसिमेंट ऑफ द प्लांट एंड द एनिमल स्पेसीमेंट इज असेंशियल एंड इज इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ द टेक्सोनॉमिक इंडस्ट्री स्टडीज टेक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए यहाँ पर हमारा सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम उस प्रॉपर स्पीसीज को पहचाने उसकी फील्ड स्टडी करें उसको जाने तभी हम किसी भी ऑर्गनिज्म की स्पीसीज को उसको टेक्सोनॉमिकली क्लासीफाई कर सकते हैं मतलब सीधी सी बात है अगर आपको पता ही नहीं है कि वो आपकी पर्टिकुलर स्पीशीज दिखती कैसी है वो कहाँ पे ग्रो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा है तो फिर फायदा क्या टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ करने का दीज आर ऑल्सो फंडामेंटल टू स्टडीज़ एंड असेंशियल फॉर द ट्रेनिंग इन द सस्टेमेटिक्स इट इज़ यूज फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर इज ऑल्सो स्टॉर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेट In some cases, the specimen is preserved for future studies. Biologists have established a certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. Taxonomical studies करने के लिए यहाँ पर ज़रूरी होता है कि जिस particular species के बारे में आप study कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसके बारे में जो भी चीजें आप आपने फाइंड आउट करेंगे वो लंबे समय तक आपकी आगे की स्टडीज़ के लिए बनी रहें मतलब स्टोर्ड रहें और कभी कभार केवल इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करना ही ज़रूरी नहीं रहता है पूरा का पूरा स्पेसि जैसे मान लीजिए आप पी प्लांट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पी प्लांट को आप क्या क्या कर सकते हैं उसके स्टडीज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको पी प्लांट चाहिए तो अब उस पी प्लांट के लिए आपके पास कई सारे वेरियस मेथड्स हैं जैसे कि मेथड नंबर वन की बात करें आप उसको किसी एक गार्डन में उगा लीजिए पी प्लांट को तभी स्टडी कर लीजिए दूसरा आप उसको अपने घर में किसी पॉट में उगा सकते हैं तभी स्टडी कर सकते हैं या तीसरी अगर आपके पास मान लीजिए प्रॉपर उसके लिए कोई ऐसा मेथड नहीं है जिसको आप उसको लाइव रख सकें कोई नहीं प्लांट को पूरे के पूरे प्लांट को आप स्टोर कर सकते हैं ड्राइड फॉर्म में तो यही सब चीज़ें हम कैसे स्टोर करते हैं उनके स्पेसिमेन को या पूरे के पूरे प्लांट को तो यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर जिसमें से कि हमारा सबसे पहला हमारा टेक्सोनॉमिकल एड्स है वो है हर्बेरियम हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन बेसिकली प्लांट होते हैं इन प्लांट को आप ड्राई करते हो जैसे आपने एक बुक ले ली उस बुक के बीच में आप किसी फ्लावर को रख देते हैं या किसी प्लांट के किस किसी पोर्शन को लीफ को रख दिया या छोटा सा कोई प्लांट है उसको रख दिया उसको प्रेस करने से क्या होगा वो फ्लैट हो जाएगा काफ़ी टाइम तक रखे रहेंगे तो ड्राइड आउट भी हो जाएगा और उसी ड्राइड आउट फॉर्म को आप जब एक शीट पे पेस्ट कर देते हैं शीट पे प्रिजर्व कर देते हैं और उसके बारे में सारी चीज़ें लिखते हैं जैसे कि कौन सा प्लांट का स्पेशीमैन है नेम क्या है इस प्लांट का और भी काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि किसने कलेक्ट किया कब कलेक्ट किया ये सब चीज़ें जब लिख देते हैं तो उस प्रॉपर स्टोरिंग को आप कहते हैं हारबेरियम यह है आपका एन का इमेज जिसमें कि आपको दिखा रखा है प्रॉपरली एक फाइल के टाइप की एक चीज़ होती है जिसमें फाइल के फॉर्म में आप आ, अपने स्पेसिमेन को प्रेस्ड फॉर्म में और ड्राइड फॉर्म में रखते हैं जिसमें कि बेसिकली कुछ नहीं होता है कि आप एक शीट लेते हैं वो शीट में अपने प्लांट का स्पेसिमेंट रखते हैं प्लांट का स्पेसिमेंट रखने के बाद में आप उसको ड्राइड आउट कर देते हैं प्रेस करने के बाद में और प्रेस करने के बाद में जब वो ड्राइड आउट हो जाता है तो ड्राइड आउट होने के बाद में आप उसको एज इट इज जैसे ड्राइड आउट हो चुका है उसको एज इट इज़ आप उसको एक शीट पे चिपका देते हैं या फिर प्रिजर्व कर देते हैं हबेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसीमेंट दैट आर ड्राइड प्रेस एंड ऑन द शीट्स फॉर दीज शीट्स आर अरेंज्ड

यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ ये है कि प्रोसीजर क्या होता है हमारा कि मतलब हम उसको ड्राइड आउट करना प्रेस आउट करना फिर तो उसके बाद में हम शीट पर क्या क्या चीज़ें लिखते हैं जैसे कि प्रॉपर उसका लेबल होगा उसमें हैबिटिंग शीट पे जिसमें कि डेट होगी प्रॉपर कि कब उसको निकाला गया कब उसको स्टोर किया गया कहाँ से स्टोर किया गया उसका इंग्लिश नेम मतलब उसका वर्निकुलर नेम लोकल नेम बोटेनिकल नेम तीनों नेम लिखे होंगे फैमिली होगी उसकी कलेक्टर्स नेम किसने कलेक्ट किया ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी हर बेड शीट पर आपको देखने को मिल जाएगी हरबेरी ऑल्सो सबिदा क्विक रेफर सिस्टम फॉर टेक्सटोनोमिकल स्टडीज़ अगर आपके पास वहाँ पे लाइव स्पेसिमिल मौजूद नहीं है आप उसको लाइवली नहीं देख सकते हो जैसे काफ़ी सारे प्लाट्स हैं काफ़ी सारे आपके ट्रीज ट्रीज बेसिकली हरबे में स्टोर नहीं कर सकते हैं प्लांट्स और फ्लावर्स और प्लांट पार्ट के लिए होता है ये कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको आप लाइव नहीं रख सकते हो मतलब कहीं से कोई आपका दूसरा कंट्री से कोई आपका प्लांट का स्पेसिमेन है या पूरा प्लांट है वो प्लांट आपका दूसरे एरिया में जैसे आप कोई बाहर से प्लांट लाते हैं वो आकर के आपका इंडिया में ग्रो नहीं हो सकता क्लाइमेट कंडीशन के चेंज की वजह से तो आपने उसका हैवेरियम फॉर्म उसको स्टोर करके रख लिया और इसका फ़ायदा भी ये है कि आप इसको आगे चल करके अपने टेक्सिनॉमिकल स्टडीज़ में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये एक हर्बेरियम शीट है जो कि है सोलेनम चीज़ मैने की एक यहाँ पे एक स्पीशीज़ है जिसको बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्सनॉमि चार्ल्स डाबिन ने स्टोर किया था चार्ल्स डाबन की स्टोरी भी आप पढ़ेंगे आगे वॉल्यूशन चैप्टर में और बता दूं कि ये इमेज जो है ये प्रॉपर स्पेसिमेन जो है आपका ये प्रॉपर हर्बेरियम शीट है ये आपकी रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड से ली गई है जो कि सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है ना मूविंग टूवर्ड बोटैनिकल गार्डन दिस स्पेसलाइज गार्डन हैव द कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस दीज प्लांट्स इन द दीज गार्डन आर शोन फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज एंड ईच प्लांट इज लेबल इंडिकेटिंग द बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली द फेमस बोटैनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड द इंडियन बोटैनिकल गार्डन इज़ हावरा इंडिया एंड इट द नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ हरबेरियम से ये ऐसे अलग है कि यहाँ पर आप लाइव किसी भी प्लांट का स्पेसीमेंट प्लांट को रख सकते हो लाइव कंडीशन में अपने टेक्सोनिक स्टडीज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए और ऐसे बोटेनिकल गार्डन में अगर आप कभी भी आपने घूम जा, घूमने जाओगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर प्लांट्स के नीचे बेसिकली या ट्रीज़ के नीचे बेसिकली उनका साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम दोनों लिखे होते हैं तो ऐसे किसी गार्डन में अगर आप घूमने जा रहे हैं जहाँ पे आपके प्लांट में आपको इस तरीके का कोई टैग लगा हुआ या फिर शीट लगी हुई दिखाई दे जिसमें उसका वर्निकुलर नेम और उसका साइंटिफिक नेम हो तो मतलब आप एक बोटेनिकल गार्डन में है कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन के यहाँ पे नाम दिए गए हैं जैसे कि सबसे बड़ा सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन आपका क्यू में है जिसका नाम है रॉयल बोटेकल गार्डन इंडियन बोटेनिकल गार्डन आपका हावड़ा इंडिया में है नेशनल बोटानिकल गार्डन आपका लखनऊ में है यह है आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड तो हमने प्लांट स्पीशीज के एड्स जो थे वो पढ़े कि कुछ इस तरीके से हैं जो कि आपके लाइव नहीं है डेड फॉर्म में है स्पेसिमन है जैसे कि आपका हाबेरियम हो गया प्लांट के लिए फिर हमने लाइव फॉर्म में पढ़ा उनको बोटेनिकल गार्डन जहाँ पे आप लाइवली उनको स्टोर कर सकते हैं सेम इसी तरह एनिमल्स के लिए भी होता है जैसे एनिमल के लिए प्रिजर्व फॉर्म आपके डेड फॉर्म में बात करते हैं म्यूज़ियम की और आपके लाइव फॉर्म में जिनको एज इट इज उनको वहां पर स्टोर किया जाता है या रखा जाता है वो है आपका तो जूलॉजिकल पार्क या फिर जू सो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर द जनरली सेट अप इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्कूल्स एंड कॉलेज द म्यूजियम्स हैव ऑफ द प्रिजर्व एंड एनिमल स्पेसिमेंट फॉर द स्टडी एंड द रेफरेंस सेम प्लांट की तरह यहाँ पर डेड फॉर्म्स हार्मेरियम की तरह यहाँ पर डेड फॉर्म्स मिलेंगे आपको जो कि आपकी अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती हैं जैसे कि आपका यहाँ पर स्पेसीमेंट हो सकता है प्रॉपर किसी कंटेनर में या जार में स्टोर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ वो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन क्या होता है फॉर्मलिन स्कूल वगैरह में आपने देखा होगा कि आपके लेजर्स और अलग अलग टाइप के आपके स्पेसीमेन आपके बायोलॉजी लैब में रखे होते हैं उनके बीच में एक लिक्विड सा भरा होता है वो लिक्विड कोई केमिकल होता है ताकि वो जो आपका प्रॉपर स्पेसिमेन है वो डिग्रेड ना हो डिकम्पोज ना हो तो वो स्पेसिमेन होता है आपका सॉरी वो आपका केमिकल होता है फॉर्मलिन या इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मल डिहाइड फॉर्मल डिहाइड और अगर आपके स्पेसिमेन फॉर्म में नहीं है जार के अंदर नहीं है तो वो ड्राइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं जिसमें आपके प्रॉपरली उनके अंदर आपको स्टफिंग करी होती है आपने मतलब उनके अंदर के सारे ऑर्गन्स वगैरह निकाल करके उनके बॉडी के अंदर स्टफिंग करके आप उनको प्रिजर्व कर सकते हैं आप उनको एज अ स्पेसिमेंट रख सकते हैं बेसिकली ये प्रोसीजर जो है ये आपके बड़े बड़े एनिमल्स या फिर आपके बर्ड्स में अपनाया जाता है बर्ड्स को आप प्रिजर्व कर सकते हैं बाय स्टफिंग इंसेक्ट की बात करते हैं तो इंसेक्ट जो है आपके स्पेशल इंसेक्ट बॉक्स के अंदर प्रिजर्व होते हैं जिनमें कि आप पहले तो इंसेक्ट को कलेक्ट करते हो देन किल करते हो और फिर पिन कर करके उनको रख देते हो क्योंकि आपके इंसेक्ट्स के ऊपर एक हार्ड स्केलेटन हार्ड एग्जोस्ट स्केलेटन होता है इसकी वजह से तो उनकी बॉडी वैसे भी प्रिजर्व रहती है और आपको ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है

वहाँ पर रख दिया तो उसकी प्रॉपरली स्किन वगैरह जो होती है वो वहीं पर रहती है फर वगैरह रहती है पूरी बॉडी डिग्रेड नहीं होती है क्योंकि तो उसके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं स्केलेटन रहता है जो कि डिग्रेड नहीं होता है का एजिडिस रहता है तो इस फॉर्म में आप इनको म्यूजियम्स को स्टोर कर सकते हैं म्यूज़ियम्स में स्टोर कर सकते हैं म्यूज़ियम्स के जूलॉजिकल पार्क्स के या फिर हर्बेरियम की बात करें बॉटानिकल गार्डन पर मतलब इन सब के अपने अलग अलग ही फायदे हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी फॉर्म को आप हारबेरियम के जगह अगर आप उसको बोटेनिकल गार्डन फॉर्म में उसको प्रिजर्व कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है नहीं दोनों के अपने अपने ही फायदे हैं अलग अलग जगह जूलॉजिकल पार्क्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है आपको यहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होता है ह्यूमन केयर के अंडर होता है जिसमें से हम उन प्रॉपर एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में उन एनिमल्स की हैबिटेट के बारे में जान सकते हैं उनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं ऑल एनिमल्स इन द ज़ू आर प्रोवाइडेड एज फार एज अ पॉसिबल एंड द कंडीशन सिमिलर टू द नेचुरल हैबिटेट हैव लव इन दिज पास्ट कॉमनली जूज इन एनिमल्स को जब हम जू में रखते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कर सकें मतलब जिस हैबिटेट में वो जंगल में रहते हैं जैसे कि जिस एनीम जिस एग्जाम्पल बर्ड्स ले लीजिए जैसे कि यहाँ पर आपका एक एक्वाटिक एक बर्ड है एक्वाटिक बर्ड पानी में मोस्टली पानी में ही ये रहती है रहती नहीं कह सकती है पानी पसंद है इसको पानी में ये फेड करती है पानी में फीड करती है ये तो इसको उसी का नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पर जू में प्रोवाइड किया जाएगा और अलग अलग एनिमल्स की बात करें जैसे एलिफेंट की टाइगर्स की जो कि एन में आपके गिवन भी है सिमिलरली ये देख लीजिए जैसे बर्ड्स हैं आपकी उनको प्रॉपरली उन्हीं का हैबिटेट जिस हैबिटेट में वो रहना पसंद करती हैं वैसा ही सेम उनका नेचुरल हैबिटेट वहाँ पर जू में प्रोवाइड किया गया है अब यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की जो कि है की और आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है एक बार को इसलिए थोड़ा ध्यान से आप इसको स्टडी करें चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन की के ऊपर की फॉर एग्जाम्पल हम जान एक एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए यहाँ पर ये एक प्लांट है और आपको कुछ भी नहीं पता इस प्लांट के बारे में कि ये प्रॉपर प्लांट जो है कौन सा प्लांट है कौन सी स्पीशीज़ है ये तो देख के पता लग ही जाएगा कि हाँ ये एक प्लांट है लेकिन कौन सी स्पीशीज़ है ये देख कर के आपको नहीं पता लग रहा है कि कौन सी स्पीशीज़ है तो यहाँ पर आप एक बुक का सहारा लेंगे यहाँ पर आप एक मीडियम का सहारा लेंगे जिसको हम कहते हैं की अब इस की में बेसिकली कुछ होता नहीं है बस कुछ सेंटेंसेस लिखे होते हैं जैसे कि आपने मान लीजिए आपको पता है कि ये प्लांट है तो आपने उस में से वो वाला पोर्शन खोल लिया जहाँ पर प्लांट लिखा हुआ है प्लांट्स के बारे में लिखा गया है अब प्लांट के अंदर आपको वहाँ पर दो कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जैसे एक में लिखा होगा फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स नहीं हैं प्रॉपरली आपने उस प्लांट को देख करके बोला कि हाँ फ्लावर है अब आप फ्लास है के अंदर जाएंगे उनके अंदर आपको दो कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं जैसे कि लीव्स ग्रीन है या लीव्स डिफरेंट कलर की है प्लांट को देखा आपने देखने को पता लगा कि हाँ जो उसकी लीफ है वो ग्रीन कलर की है अब आपने ग्रीन के अंदर का अगला उसके अंदर के अगले कैरेक्टर्स खोले तो लीफ ग्रीन खोलने के बाद आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो कैरेक्टर्स थे उसमें मेंशन था राउंड लीफ है कि फ्लैट लीफ है आपने उस प्लांट को ध्यान से देखा और देखने को आपको पता लगा कि यहाँ चलिए उसकी फ्लैट लीफ है फ्रेट लीफ के बाद आपने उसमें देखा तो आपको और दो करेक्टर्स देखने को मिले कि उसमें लिखा है कि प्लांट जो है वो कहाँ पर ग्रो था ड्राइड कंडीशन में या मॉइस्ट कंडीशन में जहाँ से आपने उस प्लांट को देखा है आप देख रहे हैं कि वहाँ पे प्रॉपरली ड्राइड फॉर्म है वहाँ पर बिल्कुल ड्राइड है तो अब आप ड्राइड में चले गए अंदर ड्राइड में जाने के बाद आपने देखा अब पूछा कि फ्लावर जो है वो कौन से कलर का है ब्लू है पर्पल है आपने देखा बोला पर्पल है पर्पल में गई फ्लावर बिग है कि स्मॉल है आपने फ्लावर को ध्यान से देखा और बोला कि फ्लावर तो स्मॉल है फ्लावर स्मॉल देखने के बाद में वहां पर बोला क्या उसमें फ्रूट्स भी हैं फ्रूट प्रेजेंट है कि फ्रूट प्रेजेंट नहीं है देखा आपने बोला नहीं फ्रूट नहीं है अब फ्रूट नहीं है के कैरेक्टर में गए आप उसके अंदर आपने जाके देखा तो आपको फिर से दो कैरेक्टर मिले और ऐसे करते 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 आपने लास्ट में जाकर के उस प्लांट की आपको फोटो दिखाई देगी वहां पर और बोलोगे हाँ कि ये प्लांट ही है जो हमने देखा है तो मतलब जहां से आपको प्लांट के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो प्लांट किस चीज़ का है किस स्पीशीज़ का है वहां सर आपने की की हेल्प से आपने उस प्लांट की पूरी की पूरी आपने एक तरीके से कह तो जन्म कुंडली निकाल दी मतलब पूरा का पूरा उसको बता दिया कि पता लगा लिया कि वो प्लांट जो है वो किस स्पीशीज का है किस फॉर्म का है तो चलिए एन सी आर टी पे वापस चलते हैं द कीज आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर कॉल्ड कपलेट्स जो पेयर्स हमने अभी देखे थे कि जिन पेयर्स पे बेसिकली हाँ या ना वाले पेयर जो थे कि लीव्स हैं या नहीं है तो आपको ये पेयड फॉर्म में दिख रही थी कि एक जो था इसमें एक एक्सेप्टेंस था है या दूसरा था रिजेक्शन नहीं है जैसे लीफ बोला था लीफ है लीफ का कलर कौन सा है ग्रीन है या नहीं है तो एक आपका एक्सेप्टेंस होगा एक आपका रिजेक्शन होगा एक्सेप्टेंस में आप फिर जाएंगे फिर आप उसके अंदर दो देखने को मिलेंगे जिसमें आप एक को एक्सेप्ट करेंगे एक को रिजेक्ट करेंगे फिर उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो एक को एक्सेप्ट करेंगे और एक को रिजेक्ट करेंगे और एंड में जाते जाते प्रॉपरली आप उसी स्पीशीज़ को ढूंढ लेंगे कि वो कौन सी स्पीशीज़ है तो यही जो आपके कैरेक्टर्स हैं ये आपके दो कैरेक्टर्स जो आपको देखने को मिलेंगे इनको आप बोलोगे कपलेट्स द रिजल्ट इन द एक्सेप्टेंस इज वन एंड द रिजेक्शन ऑफ द अदर ईच स्टेटमेंट इज इज कॉल्ड अ लीड हर एक स्टेटमेंट जो है उसको आप बोलोगे लीड मतलब अगर आपने एक स्टेटमेंट को चूज कर लिया है उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो उसके अंदर आपको लीड मिलेगी कि आप एक स्टेप आगे पहुंच चुके हैं सेपरेट keys कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच category such as फैमिली जीनस स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन purposes. अब देख लीजिए मान लीजिए आपने एक प्रॉपर एक प्लांट देखा है उस प्लांट को देखने के बाद में आप कौन सी वाली की उठाओगे प्लांट के वाली की या फिर एनिमल्स वाली की ओब्वियसली अब प्लांट वाले की को चूज़ करोगे तो यही यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन कहना चाह रही है ये कीज़ जो होती हैं ये अलग अलग आपके बेसिकली सेपरेट फॉर्म में होती हैं अलग अलग किंगडम के लेवल पे अलग अलग फैमिलीज़ के लेवल पे मतलब एक फैमिली की मान लीजिए अलग की होगी जीनस पे अगर आप देना चाह रहे हैं आपको बेसिकली ये पता है कि उसका जीनस कौन सा है तो आप जीनस वाले की उठा लीजिए अगर प्रॉपरली आपको पता है कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप उसकी फैमिली वाली स्पीशीज़ उठा लीजिए अब फैमिली वाले की उठा लीजिए आपको जीनस बताए तो स्पीशीज़ वाले की उठा लीजिए इस तरीके से आप प्रॉपरली उस प्रॉपर एक स्पीशीज़ का आप पता लगा सकते हैं कि वो स्पीशीज़ है कौन सी फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड द कैटलॉग्स आर द सम ऑफ अदर मीन्स ऑफ द रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन इस तरीके से कुछ और अलग टेक्सोनोमिकल एड्स होते हैं जैसे फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ और कैटलॉग्स ये कुछ आपके अलग अलग तरीके के आपके टेक्सोलॉमिकल एड्स हैं दीज आर आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ़ द फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट फ्लोरा की बात करते हैं तो फ्लोरा के अंदर आपको प्रॉपरली प्लांट के बारे में पता लगेगा उसके हैबिटेट के बारे में पता लगेगा मोनोग्राफ की बात करते हैं मोनोग्राफ जो है आपके एक किसी भी एक टेक्सॉन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है मैनुअल की बात करते हैं तो मैनुअल आपको प्रॉपरली आप एरिया वाइज ढूंढ सकते हो कि उस एरिया में आपको कौन कौन सी स्पीशीज़ मिलती है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो तो यहाँ पर इस तरीके से आप बेसिकली आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की स्टडी कर सकते हो टेक्सोनॉमिक एड्स की हेल्प करके हेल्प लेके तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है जिसमें हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में जाना है जो जानना हमारे लिए बेसिकली ज़रूरी था आगे आने वाला चैप्टर है सेल। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक टू ब्रीफ इन डिटेल में पढ़ेंगे सो गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर